योगी वीरेंद्र रवि का सतनमन, आपका अभिनंदन। मेरे भाई, मेरी बहनें, बेटी और बेटों, आप अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने आप को शरीर से शक्तिवान करिए और अपने मस्तिष्क को अनुशासित करिए। और इसके लिए योग विद्या आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। योग का मतलब ही होता है जुड़ना। तो जोड़ना किसको है? पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भूदंडव है, नस नस में हो लहरा की तभी जवानी पाती जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया में कुछ अद्भुत कार्य करें तो आप कभी बीमार नहीं पड़े, आपके सारे जो सिस्टम है शरीर के सारे काम करते रहें, उसके लिए जरूरी है पतंजलि योग सूत्र में दो चीज़ की आवश्यकता है। एक है आसन, दूसरा है प्राणायाम। आसन विभिन्न प्रकार के हैं जो विभिन्न पशुओं से भी लिए गए हैं, और प्राणायाम का मतलब है कि जो प्राणवायु है जिससे हमारी जीवन चलती है, ये श्वासन प्रश्वासन की जो प्रक्रिया है, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, ये जो ऑक्सीजन है हवा में वो हमारे शरीर में जाती है, हमारे लंग्स में हिलविली में जाके जो रक्त है उसमें ये मिक्स हो जाता है, और हृदय के द्वारा हार्ट के द्वारा ये सारे शरीर के सारे सेल्स में विभिन्न सिस्टम्स विभिन्न ऑर्गन्स में चले जाते हैं। तो इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ, आप जिम्मेदारी लीजिए। जन्म और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जीने की जिम्मेदारी आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ समय मृत्यु हो जाएगी, अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो पहला है शरीर को मजबूत कीजिए, तो आसन करिए और इसके बाद प्राणायाम करिए। कुछ उदाहरण दिखाता हूँ, ये थोड़ा विपरीत परिस्थिति है, आप आसन बहुत तरह के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मैं आपको आसन दिखाता हूँ बिल्कुल सरल सुगम दिखाता हूँ, वो आसन है सबसे सरल और सिंपल। एक इस तरह का आसन है जिसे हम वृक्षासन कहते हैं, ताराशन कहिए। ये पूरी कैमरा में नहीं आ रहा है, लेकिन स्ट्रेचिंग ही समझो। अगर हम दोनों पैर पर खड़े हैं तो इसे हम ताराशन कहते हैं। अगर हम एक ही पैर में खड़े हैं, जो मैं दूर जाके आपको दिखा रहा हूँ, अब देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिए, अगर आप दोनों पैरों पर खड़े हैं तो इसे हम ताराशन कहते हैं, अगर आप एक पैर पर खड़े हैं तो इसे हम वृक्षासन कहते हैं। उदाहरण दिया हूँ मैं, इस तरह से आप आसन कर लीजिए। बहुत सारे आसन हैं, शीर्षासन है, गौरासन है, मयूरासन है, सर्वंगासन है, अनेक तरह के आसन हैं, इससे आपके सारे शरीर बहुत ही सबल हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी शक्तिदायिनी है वो प्राणवायु है, उसके लिए मैं कुछ खरे खरे ही आपको दिखाता हूँ। हमारे प्रिय दोस्त बाबा रामदेव जी अद्भुत ज्ञानी हैं, उनसे पहले बी के अयंगार थे, उनके पहले भी बहुत सारे योगी ऋषि इस धरती पर हुए, पृथ्वी की जो अद्भुत एक देश है जिसका नाम भारतवर्ष है, पतंजलि आदि गुरु तो हमारे शिव शंभो हर हर महादेव थे। तो ज़्यादा समय नुकसान नहीं करूँगा, मैं थोड़ा दूसरे रूप में आपको दिखाऊंगा। जो प्राणायाम होता है, धीमी गति से सांस लेना, गहरी सांस लेना और इसे फिर छोड़ना, तो इसके लिए मैं जो प्राणायाम करता हूँ थोड़ी अद्भुत शक्तिशाली प्राणायाम है। बाबा रामदेव बैठ के करते हैं, धीमी गति से और तीव्र गति से बहुत तरह से करते हैं, क्रिया एक ही है। जो हमारे धावक है, जो हमारे खेल करने वाले प्लेयर्स हैं, वो उसको कुछ भस्त्रिका प्राणायाम करके तो नहीं करते हैं, लेकिन वो भी सांस बहुत गहरी लेते रहते हैं।
तो किसी भी तरह से नाम दीजिए, लेकिन गुलाब तो गुलाब ही रहता है, कोई रोज का हो या गुलाब का हो या कुछ भी का हो, तो ये बहुत ही हमारे लिए उपयुक्त है। मैं हमेशा जब भी थोड़ा टाइम मिलता है तो इसको मैं खूब गहराई से करता हूँ। देखिए मेरा शरीर भी मजबूत हो रहा है और सांस भी ले रहा हूँ। दूसरा है कपालभाति, खड़े खड़े करके दिखा रहा हूँ, गहरी सांस छोड़िए, सांस लेने की आवश्यकता ऑटोमेटिक हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी। ये हो गया फर्स्ट कपालभाति। अब इसमें एक जो होता है जिसे हम वाहवी कहते हैं, इसमें हम गहराई से इसको अंदर खींच लेते हैं। देखिए इसी अग्निसार क्रिया करते हैं मेरे भाई। और इसमें एक दूसरा इसका जो सबसे एडवांस है उसे हम नौली कहते हैं। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट है जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। बाई आँख से, बाई नाक से सांस लीजिए, दाई से छोड़िए, दाई से लीजिए, बाई से छोड़िए, एक साइकिल हुआ। क्या हुआ? चार है। बाई से सांस लीजिए, दाहिनी से छोड़िए, दाहिनी से सांस लीजिए, बाएं से छोड़िए, ये चक्र चलाते रहिए, ये साइकिल है। एक दो करके दिखाते हैं। अरे दोस्तों इसमें यह है कि जब सांस लेते हो ये सोचिए, क्योंकि ये मन और शरीर को जोड़ता है। जब सांस लेते हैं तो विश्व की सारी शक्तियां प्राणवायु के साथ हमारे शरीर में जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो सारे कुविचार, सारी बीमारियां, सारे दुर्गुण बाहर चले जाते हैं। क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है आपको जानना, हम वही हैं जो हम सोचते हैं। योगी वीरेंद्र योगी सोचता है, मैं विश्व शांति के लिए भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलता हुआ एक ऐसा मनुष्य हूँ जो आप सबों से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तो बाप से प्यार कर रहा हूँ। तो ये हो गया अनुलोम विलोम। और जो अंतिम प्राणायाम सिखा रहा हूँ आपको, आप गानी हो यार, सिखा रहा हूँ मैं, कुछ कर रहा हूँ, सुन लो ना, आप तो बहुत काबिल हो, हमसे भी ज़्यादा। वो भ्रम रही है, ऐसा कर दीजिए, एक्सप्लेनेशन क्या, देख के समझ जाइए। और ओंकार करिए, ओंकार जो होता है ना, ओम, तीन शब्द है, आ, यहां से सीना से पढ़े निकाले, ये तीन सिलेबल कहिए या शब्द या अक्षर कहिए या स्वर कहिए, यहां से सुनिए, यहां से थोड़ी गलती हुई है, माफ चाहता हूँ। तो भ्रामरी करेंगे तो ऐसा कर लेंगे और यही करेंगे। ये भ्रामरी हुआ और उद्दुत प्राणायाम होता है। मुद्रा होनी चाहिए भाई, ज्ञान मुद्रा। मैं तो खड़े खड़े कर रहा हूँ, ये पहाड़ी पर मैं बैठने उठने का जगह नहीं है मेरे भाई, माफ चाहता हूँ। 95 ईयर ओल्ड मैन यार, बट याद रखिए, योग चित्त वृत्ति निरोधा तथा दृष्टु स्वरूपे स्वस्थानम। मेरी यारी, मेरे जीवन में अगर कोई शक्ति है तो मेरे विचार, मेरे प्रेम, मेरे करुणा, हमेशा खुश रहना, हमेशा लोगों के लिए सोचना, हमेशा कार्य में रत रहना, इससे हमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पैदा होता है, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा पर चलने वाला व्यक्ति। और अब सबों का आशीर्वाद चाहता हूँ, प्रकृति का पुत्र हूँ मैं, न किसी भगवान में, न किसी अल्लाह में, न किसी जेसस के पिताजी में विश्वास करता हूँ, मैं कर्मपरायण बुद्ध का शिष्य हूँ,
मैं अपने कर्मों में विश्वास करता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो मैं बोलता हूँ वही मैं करता हूँ। तो सबसे बड़ा जो अंकुश लगाता हूँ अपनी सोच पर, और हमारा सोच क्या है, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा, और कभी भी इस पथ से डिगता नहीं हूँ, कभी भी इसमें मैली चुनरिया नहीं करता हूँ। काम क्रोध मद लोह मोह को आपका जय हो, आपका कल्याण हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बोलता है बचपन से आया, लेकिन अभी ज्ञान हुआ शिवाय शक्ति सब सबों में है, प्रकृति है ये। और फिर कहता हूँ सम गच्छ ध्वम सम बद ध्वम सम ओ मानासी जानता हूँ। देवाभाग मिथा पूर्वे संजाना न उपासते असदो मा सदगम्यो तमसो मा ज्योति गम्यो मृत्यु मा मृत गम्यो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। खुश रहिए, बहुत प्यार करिए, कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए। ये तभी होगा जब आप सर्वशक्तिमान हर हर महादेव की तरह योगा करेंगे, प्रकृति की गोद में रहेंगे, जीवन की क्षण भंगुरता को समझेंगे, दूजनों को भी ज्ञानी विचारवान व्यक्ति बनाने की कोशिश करेंगे। आपका जय हो, कल्याण हो। धन्यवाद।